नमस्कार, आप देख रहे हैं मई भारत में हूँ आपके साथ स्नेहा हाँ तिवारी। मई भारत पर समय हो चुका है यूके स्पेशल का, नजर डालते हैं उत्तराखंड की खास खबर। उधम सिंह नगर में हो रहे खनन के अवैध कारोबार और खनन माफियाओं पर शिकंजा कसने की प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। यहाँ पर हो रहे अवैध खनन की वजह से ओवरलोड वाहन सड़क पर दौड़ते हुए बड़े हादसे को दावा दे रहे हैं। DIG कुमाऊं का कहना है कि ओवरलोड वाहनों के लिए पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि ठोस कार्यवाही अमल में लाई जाए। साथ ही जिस क्षेत्र में ओवरलोड की शिकायतों पर पुलिस यदि कार्यवाही नहीं करती है तो उनके खिलाफ भी सख्त रवैया अपनाया जाए। उत्तराखंड में पार्टी को मजबूत करने और आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी की ओर से निकाली जा रही परिवर्तन यात्रा आज हरिद्वार पहुंची। हरिद्वार में माँ गंगा का आशीर्वाद लेकर परिवर्तन यात्रा की शुरुआत होगी। यात्रा को लेकर एक दिन पहले ही शहर में तैयारियां जोर शोर से की गई। जगह जगह बैनर, पोस्टर और होर्डिंग से शहर को पाट दिया गया। देश में महिलाओं के साथ बढ़ते आपराधिक मामले पर लगाम लगाए जाने से नाराज इंकलाबी मजदूर केंद्र सहित कई संस्थाओं ने मिलकर हरिद्वार में अपना विरोध जाहिर किया। विरोध प्रदर्शन में शामिल प्रगतिशील महिला एकता केंद्र की सदस्य का कहना है कि देश में महिलाओं के प्रति हिंसा के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में खो खो खिलाड़ी की हत्या होने के बाद उत्तराखंड के हरिद्वार में सिड़कुल में अभी कुछ दिन पहले ही एक महिला की हत्या कर दी गई। ऐसे मामलों पर राज्य सरकारें ने चुप्पी साध रखी है, जिसका हम पूरी तरीके से विरोध करते हैं। हरिद्वार के लालढांग में रवासन नदी में पहाड़ी से गिरकर घायल गाय को आप जिला उपाध्यक्ष ने सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने हेतु पशु चिकित्सक के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करते हुए बताया कि 16 सितंबर को रवासन नदी में पहाड़ी से गिरकर एक गाय गंभीर रूप से घायल हो गई थी। घायल अवस्था में मिली गाय को सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में पशु चिकित्सक को दिखाया, जिन्होंने परीक्षण करने के बाद बताया कि गाय लगभग 8 माह की गर्भवती है, जिसके दो पैर टूट चुके हैं, ये खड़ी नहीं हो पा रही है। हरिद्वार में लापरवाही से वाहन चलाने पर हुई दुर्घटना में युवती की मौत पर थाना श्यामपुर में अज्ञात वाहन चालक पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तेज रफ्तार ट्रक चालक के मौके से फरार होने पर थाना श्यामपुर पुलिस ने शिकायतकर्ता की लिखित तहरीर के आधार पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ केस दर्ज कर कार्यवाही करने की बात कही है। कांग्रेस पार्टी की ओर से निकाली जा रही यात्रा में आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बेटी अनुपम रावत हरिद्वार पहुंची। यात्रा में शामिल होते हुए उन्होंने कांग्रेस परिवर्तन यात्रा निकाल रही है और जिस तरह का रुझान राज्य की सभी विधानसभा सीटों से मिल रहा है, उससे साफ पता चलता है कि प्रदेश की जनता प्रदेश में परिवर्तन का मन बना चुकी है। राज्य में पुलिस जवानों के 4600 ग्रेड के मामले की आग अभी ठंडी नहीं हुई थी कि पुलिस जवानों की वर्दी किट और वर्दी भट्टे काटने से नाराज पुलिस कर्मियों की पत्नियों ने DIG से मिलकर राज्य में लंबे समय से चल रही 4600 ग्रेड पे की मांग की है। पुलिस कर्मियों के ग्रेड पे का मामला सदन में भी उठाया जा चुका है। वहीं इससे पहले भी अपनी इस मांग को लेकर पुलिस परिवार की महिला धरना दे चुकी है। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों को लेकर। उत्तराखंड की लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, हमारे पेज को फॉलो करें और देखते रहें।